इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर प्लान, और उस फर्स्ट फ्लोर प्लान को आप देख सकते हैं। और आई होप कि ये आपको आइडिया अच्छा लगेगा। और इसी के साथ चलो देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा फर्स्ट फ्लोर प्लान। ग्राउंड फ्लोर का जो प्लान था वो डिस्कस किया, और वहाँ मैंने ऑब्जर्व किया कि जो कुछ मैसेज थे, कमेंट्स थे, और उन कमेंट्स को रिप्लाई कर चुका हूँ। अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन वॉच दैट वीडियो अगेन एंड सजेस्ट मी द पॉइंट, और कमेंट मी कि इस पॉइंट पर आपने कोई प्रॉब्लम फेस किया है या सजेशन चाहिए। यहाँ इस वीडियो के अंदर मैं फर्स्ट फ्लोर प्लान को डिस्कस करूँगा। एरिया ऑफ द प्लॉट इज सेम, वो उतना ही है 100 स्क्वायर यार्ड्स का, जिसको लोकल लैंग्वेज में 100 गज का प्लॉट बोलते हैं। और ये टोटल एरिया जो आपका हो जाता है, ये हो जाता है 900 स्क्वायर फीट का। सो अभी जो रूम है वो प्लानिंग क्या है कि भाई कितने रूम होंगे, तो उसकी प्लानिंग है। बाथरूम कितने होंगे, स्टडी रूम रखना है, स्टोर रखना है, लॉबी है, ये सब कुछ है। क्योंकि किचन अभी यहाँ आप रख सकते हैं, बट किचन फर्स्ट फ्लोर पे रखने का आपका पर्पज क्या है? फॉर रेंट पर्पज है, या आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली है तो फॉर दैट पॉइंट है, तो किचन के लिए भी ऑप्शन है। लेकिन तब ये लॉबी वहाँ पर नहीं आएगी, तो देन दैट टाइम उसको, लॉबी को आप किचन के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ किचन कंसीडर नहीं किया है, तो यहाँ जो कंसीडर किया है ओनली वो लॉबी कंसीडर किया है, उसको मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा, उसको बताऊँगा। और आप खुद ऑब्जर्व करना कि ये जो प्लान है और जो ट्रेडिशनल प्लान है वो किस तरीके से डिफरेंट है। यहाँ जो फीचर ऐड किए हैं वो वास्तु के अकॉर्डिंग फीचर ऐड किए हैं, और मैक्सिमम यही ट्राई किया है कि वो जो फीचर है वो इंक्लूड हो जाए। और अगर नहीं हो पाया है किसी पॉइंट पे तो वो लिमिटेशन थी उसका। तो ये साउथ फेसिंग एक्चुअली होम है, तो इस पर्पज़ के लिए राइट। तो देखते हैं जो एक्चुअल प्लान है। तो यहाँ ये एक्चुअल प्लान है, इस ये फर्स्ट फ्लोर प्लान है आपका जो मैं अभी आपका दिखा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ ये इस साइड से एंट्री है जो मैं आपको दिखा चुका था इन दी जो इसका ग्राउंड फ्लोर प्लान था, तो एंट्री इस साइड से हुआ है। तो मैं आपको बैक साइड से स्टार्ट करूँगा, और उसी साइड से आप एक्सप्लेन करता जाऊँगा जो भी पॉइंट्स हैं। तो यहाँ एक्चुअली ये आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, और ये कॉर्नर जो है वो नॉर्थ वेस्ट है, और इस साइड में आपका ये साउथ ईस्ट आ जाएगा, और इधर ये साउथ वेस्ट है, ये आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर है। तो नॉर्थ ईस्ट में ये एक्चुअली ओपन स्पेस रख छोड़ा हुआ है, ये अभी यहाँ पर जाल वगैरह लगा दिया गया है, तो ये उस पर्पज के लिए है, और जो एयर है उसका फ्लो होता रहे। ये एरिया आपका ओपन रखा हुआ है, आप इसको बालकनी टाइप का समझ सकते हैं, राइट। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको बाथरूम का बता दूँ कि जो बाथरूम है उसकी सिचुएशन ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की साइड में है, और इसकी जो डायमेंशन है वो 6x10 फीट है, और 10 फीट से ज़्यादा है, यहाँ आप देख रहे हैं 10.25 फीट के आसपास है। ये अभी जो ये कॉर्नर है इतना, ये आपका ये बाथ टब के लिए यूज किया है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी चौड़ाई 6 फीट है, और आपको ये 6x4 का स्पेस जो है, या उससे भी ज़्यादा जितना भी आप लेना चाहें, उसको बाथ टब के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। वाटर टैप जो है वो इस साइड में रखा है,
अब दूसरी सिचुएशन ये है कि आपका जो वॉश बेसिन है और जो आपकी सीट है वो कहाँ रखी जाए। इसमें सीट एक्चुअली यहाँ पे रखी है, और अगर इसको देखते हैं तो इसका फेस इधर वेस्ट को हो जाएगा। और जनरली क्या है कि ये नॉर्थ या साउथ को प्रीफर करते हैं जो वास्तु के अकॉर्डिंग है। तो अभी अगर मैं यहाँ पर इस सीट को रखूँगा तो क्या होगा कि ये इधर इसके पास आ जाता है। तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है इस सीट को यहाँ पे रख सकते हैं इस साइड में, तो इसका फेस जो आएगा आपका वो नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा। और इसको उठा करके आप या तो इसके सामने लेके जा सकते हैं या इस कॉर्नर पर रख सकते हैं। तो ये तो पॉसिबिलिटीज हैं जब होगा। तो दूसरा अभी क्या कर सकते हैं कि आप इस दीवार को हटा सकते हैं। तो अब आपके पास में 4 फीट ये होगा और 4 फीट ये होगा, और इस तरीके से ये काफ़ी बड़ा एरिया आपके पास आ जाएगा। और यहाँ तक आप ये थोड़ा सा आप पोर्शन यूज करके और इसको एज ए कपबोर्ड यूज कर सकते हैं। और इस दीवार पर आप मिरर या जो भी आपको ठीक लगता है तो वो स्पेस यूज हो सकता है। पर्पज़ ये है कि ये जो पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ नॉर्थ वेस्ट साइड का, ये बाथरूम टॉयलेट और आपका जो ड्रेसिंग रूम है उस पर्पज़ के लिए यूज किया है। और एरिया अभी आप देख सकते हैं यहाँ डायमेंशन वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मैं इस एरिया का थोड़ा सा आपको ये इरेज करके अगर दिखाऊं, तो ये जो ड्रेसिंग रूम था ये भी आपका 4x5 का है। तो उस एरिया को जस्ट इमेजिन कि 5 फीट्स आपके पास यहाँ है, ये 4 फीट ये है और 6 फीट ये है, तो ये 10 फीट के आसपास एरिया बचता है। तो इस टाइप से आप इसको देख सकते हैं। तो ये तो सबसे पहला पॉइंट हुआ बाथरूम का, कि जो बाथरूम हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है वो किस डायरेक्शन में किया है। अब दूसरा पॉइंट, यहाँ जो रूम है ये आपका बेडरूम है, तो इसकी जो डायमेंशन है वो 11x11 लिया हुआ है। ये विंडो है, यहाँ वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर ओपन स्पेस है, और ये आपका डोर है। यहाँ एंट्री इसके लिए है आपके जो इसके साथ में बाथरूम एसोसिएट किया है। इसकी मेन एंट्री यहाँ से हुई है, और ये स्टेयर्स हैं जो ऊपर की साइड को आ रही हैं फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, आप देख सकते हैं। और तो इधर इस रूम के लिए हो जाएगा जिसकी डायमेंशन 11x11। डायमेंशन 11x11 क्यों रखा हुआ है, एक्चुअली ये मैं भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगा कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग इसका ये ट्राई किया था कि डायमेंशन रहे। व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड ऑफ दैट, क्या रेजोनेंस होगा उसका मैं आइडिया अभी नहीं बता सकता, लेकिन ये जो डायमेंशन है ये अकॉर्डिंग टू दी वास्तु है, और 11 जो फीट है उसको सबसे बेस्ट समझा जा गया है। यहाँ आपका ये वॉश बेसिन आ चुका है, ठीक है। तो अभी ये वाटर टैप इस साइड में है और ये सिंक, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर कुछ ऐसे आपको यहाँ ऐसा लगता है कि आपको एक टॉयलेट और चाहिए फॉर दिस रूम और ये जो स्टडी रूम है उसके लिए भी, तो यू कैन यूज़ दिस एरिया 6x5, जो नीचे की साइड ग्राउंड फ्लोर पे जो टॉयलेट था जस्ट अबाउट टू दैट, उसके ऊपर ही ये टॉयलेट कंसिडर किया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी 3 टॉयलेट रखने की ज़रूरत नहीं है, तो उतना बड़ा आपके फैमिली नहीं है, तो यू कैन यूज दिस एरिया एज ए स्टोर। तो ये जो 6x5 का एरिया है ये आपका काफ़ी अच्छे से स्टोर के जैसे यूज हो जाएगा। तो स्टोर ऑब्लिक टॉयलेट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वॉश बेसिन और ये जो सिंक वगैरह का आप इसको यहीं पे रखें, मिरर रखें। मॉर्निंग के टाइम पे अगर आप यहाँ पे हैं तो ये स्पेस काफ़ी अच्छे से यूज होगा सेव के पर्पज़ से, या जो दूसरे भी हम लोगों के पॉइंट हैं एज ए जेंट्स, ये काफ़ी अच्छे से यूज हो सकता है। अब ये आपको मैं बता दूं कि अभी दूसरा फर्स्ट रूम ये है और उसके डायमेंशन ये है। दूसरा रूम यहाँ पे वो 10x11 का रखा हुआ है, तो ये आपका सेकंड रूम हुआ है। और इसी के साथ साथ मैं आपको दिखा दूं कि जो थर्ड रूम है एक्चुअली ये आपका मोर देन 3 फीट से ज़्यादा पैसेज है, वो आपका इस रूम के लिए है, इस रूम के लिए है, और ये थोड़ा जब आप इस साइड स्टेयर्स पे अप साइड जाएंगे तो उसके लिए है। और ये यहाँ पर जो गेट है ये स्टडी रूम के लिए है।
अब देखिए, स्टडी रूम जो यहाँ पे निकला हुआ है वो 8x11 का है। इसकी जो चौड़ाई है यहाँ तक वो 8 फीट के आसपास है और इसकी लंबाई जो रखी है वो 11 फीट है। और अगेन ये जो डाइमेंशंस हैं ये वास्तु के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये विंडो हुआ, इस गेट को इस साइड में रखा जो कि लॉबी है, बरामदा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये गेट है। तो यहाँ अगर आप टेबल यूज करेंगे आपका फेस वो नॉर्थ साइड को होगा, राइट। अगर यहाँ भी आप अपना कोई भी बोर्ड वगैरह यूज कर सकते हैं नोटिस बोर्ड पर्पज़ के, क्योंकि स्टडी रूम रखा हुआ है तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। और यहाँ आपका इजीली एक बेड आ जाएगा क्योंकि 8x11 का है, तो टेबल चेयर के साथ में काफ़ी स्पेस बचता है। तो वो सब आप, मैं इसको फिजिकली भी दिखा चुका हूँ वीडियोज़ में और अब आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। अब इसके यहाँ दो दरवाजे हैं और उस दरवाजे की आउटिंग जो है यहाँ पर, ये वरांडा ओपन स्पेस है। और इस ओपन स्पेस के अभी साथ में जो दूसरा रूम था, ये इसका डोर भी है और ये विंडो है। तो अभी यहाँ आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी एरिया आपका बचता है यहाँ, राइट। तो ये जो 3 फीट निकला हुआ है, 3 फीट टू 4 फीट ये निकला है और यहाँ तक ये एरिया आपका, तो ये टोटल जो है 10x10 के आसपास का एरिया बचता है, उससे भी ज़्यादा, राइट। तो अब आप देखिए कि इतना ओपन स्पेस आपको साउथ ईस्ट कॉर्नर में मिल रहा है और ये बरांडा या लॉबी आपको तब मिल रही है जब आपने यहाँ पर किचन कंसिडर नहीं की है। अगर आप यहाँ किचन कंसिडर करेंगे तब आपको ये भी थोड़ा क्लोज करना पड़ेगा और उस केस में पॉसिबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप किचन यहाँ पर नहीं रखना पसंद करते हैं तो आप किचन को इस साइड भी लेके जा सकते हैं, लेकिन किचन क्या होगा कि बॉटम साइड, ये ग्राउंड फ्लोर पे आपका टॉयलेट है, तो पर्सनली मैं उसको लाइक नहीं करता हूँ। और साथ में ये आपका टॉयलेट भी एसोसिएट है, लेकिन टॉयलेट से पहले ये आपका यहाँ पे कपबोर्ड आ चुके हैं तो वो स्पेस कवर कर सकता है। किचन यहाँ यूज हो सकती है बट वो प्रिफरेबल नहीं है क्योंकि ये साउथ वेस्ट या यहाँ पर तो वेस्ट ही डायरेक्शन है, तो ये वेस्ट डायरेक्शन है। तो किचन अगर आपको रखना है तो फिर आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। मैं अभी यहाँ किचन नहीं रख रहा हूँ तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास में ये काफ़ी स्पेस है। इवनिंग के टाइम पे जब आप अपने स्टडी रूम से बाहर निकल के यहाँ जो चेयर्स हैं आप उनको यूज कर सकते हैं, टेबल यूज कर सकते हैं 4 दिट्टी। और फ्रंट पे आपको मैं इन एक्चुअल जो दिखा चुका हूँ यहाँ पर, ये काफ़ी स्पेस है। तो आप यहाँ खड़े होके ये यहाँ अपना ई टेबल जो आइटम्स है वो रख के काफ़ी अच्छी फीलिंग है जो आप यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये जो प्लान है ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। और इस फर्स्ट फ्लोर के प्लान में अभी आप देख रहे हैं कि जो आपको मिले हैं वो अप्रोक्सीमेटली 3 रूम मिले हैं, 3 रूम्स यहाँ पर मिले हैं और 1 स्टोर मिला है, मैं उसको स्टोर के जैसे यूज कर रहा हूँ, 1 बाथरूम मिला है। और बाथरूम आपका इतने बड़े साइज का है कि नो वन कैन थिंक कि भाई 100 गज के प्लॉट में आपका इतना कोई बड़ा बाथरूम हो सकता है। लॉबी है, ये काफ़ी बड़ी लॉबी है, राइट। तो सभी जो स्पेस है वो आपको मिला है। और उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये डायमेंशन छोटे डायमेंशन नहीं है, 11x11, 10x11 और 11x8। दूसरा जो पॉइंट है, आप इस स्पेस को देखिए, ये ओपन स्पेस है, ये एक्चुअली एट द सेंटर नहीं है, लेकिन वास्तु के अकॉर्डिंग आपने भी देखा होगा कि जो सेंटर प्लेस है वो शुड बी ओपन। और कहाँ ऐसा पॉसिबल होगा कि 100 गज के प्लॉट में आप सेंटर प्लेस को ओपन रखते हैं, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा। इसका बेनिफिट ये है कि जो हॉट एयर है एक्चुअली वो यहाँ से निकल जाती है, चाहे आपका विंटर है चाहे समर है, तो वो जितना भी आप ब्रीथिंग करते हैं उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हल्की होती है और वो आपके टॉप लेयर जो है उसका बनता है। तो टॉप लेयर पे जनरली अब वो जो पहले वो वेंटिलेशन के लिए रोशनदान छोड़ते थे वो ट्रेंड अब नहीं है। तो अब यहाँ से क्या होगा, तो आपकी ये हॉट एयर यहाँ से निकल जाएगी, हॉट एयर यहाँ से निकल जाएगी, तो आपका पूरे रूम के अंदर प्रॉपर जो है आप फ्रेश एयर यहाँ पे रन करती रहेगी। तो जल्दी से मैं आपको दूसरा भी पॉइंट यहाँ शेयर कर दूँ, ये सब यही था इन्हें। तो यहाँ जो मैप डिज़ाइन किया है वो उसका फ्रंट एलिवेशन ऐसे दिखाई पड़ता है। और ये मैं अपनी पहली वीडियो में बोल चुका हूँ कि जनरली हम इसी
जो आर्किटेक्ट है उसी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ हम लोगों को एक्चुअली अपने अकॉर्डिंग जो है ना थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहिए कि ये किस तरीके से बेस्ट लुक में आ सकता है। यहाँ ये अगेन सेम पॉइंट है। तो ये पॉइंट मैं आपके साथ में बता रहा था कि भाई जो डायमेंशन है ऑफ द रूम वो इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द वास्तु, और इनका लॉजिक क्या है, साइंटिफिक लॉजिक एक्चुअली मैं यहाँ पर नहीं आपको अभी बता सकता बिकॉज अभी उतनी डेप्थ में इसकी साइड में नहीं गया हूँ। लेकिन ये है कि कुछ रेजोनेंस होगा एक्चुअली, अगर ये डायमेंशन इन्होंने कंसिडर की है वास्तु के अकॉर्डिंग, तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो रेजोनेंस होगा वो पॉजिटिव रेजोनेंस होगा। और ये यहाँ पर बोलते हैं कि 6 फीट अगर आप डायमेंशन रखते हैं तो ऑक्यूपेंट विल लीव ए पीसफुल लाइफ, और 7 फीट अगर डायमेंशन है किसी रूम की एक साइड तो ऑक्यूपेंट विल हैव टू फेस हैवी मॉनिटरी लॉस, कि भाई उसको पैसे का लॉस होगा। 8 फीट अगर आप डायमेंशन किसी एक रूम की रखते हैं तो ऑक्यूपेंट विल बी ब्लेस विथ ए फंटास्टिक लाइफ स्टाइल एंड लोट ऑफ वेल्थ। अब मुझको इसका आइडिया नहीं है कि अगर किसी एक रूम की डायमेंशन 8 फीट है तो, या दूसरी 8 फीट है, ये तभी होगा, या जैसा मैं ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर चुका हूँ इन आवर हाउस की एक डायमेंशन 8 फीट ली है और दूसरी ये 11 फीट ली है। तो अभी इसमें मैं आपको बता दूं कि 8 फीट के अकॉर्डिंग ये गुड इंडिकेशन है, और 11 फीट में भी आप देख सकते हैं कि ऑक्यूपेंट विल एंजॉय वेल्थ एंड गुड हेल्थ। अगर मैं ये डायमेंशन रखता हूँ तो वास्तु का जो एक फीचर है जिसकी अभी साइंटिफिकली आई डोंट नो कि उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है, बट ये जो 2 डायमेंशन है A8x11 की, ये पॉजिटिव डायमेंशंस हैं किसी भी रूम के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 11x11 आप रखेंगे तो वो अच्छा है, लेकिन जब जनरली जो ट्रेंड चलता है वो 12 फीट का चलता है। आई डोंट नो कि साइंटिफिकली क्या रीजन है, लेकिन वास्तु में अभी ये बोल रहे हैं कि ऑक्यूपेंट कैन लूज ही चाइल्ड। इसको यहाँ पे मैं एक शक या बहम की नज़र से भी देखता हूँ, ठीक है। तो रियली मेरा अपना पर्सनल विजन है कि भाई ऐसा क्या होगा, लेकिन अगर ये डायमेंशन 12 की हैं किसी रूम की, जैसे कि जनरली 12x12 हम लोग रखते हैं, तो उसमें क्या होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो बच्चा है वो बीमार रहने लगे हैं, राइट? तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन अभी ऐसा जनरली बच्चे तो 11x11 की डायमेंशन में भी बीमार होंगे और उसमें भी होंगे। तो लॉजिकली कितना ठीक है कितना नहीं ये जस्टिफाई मैं अभी नहीं कर सकता इस पॉइंट को, बट आई हैव कंसिडर्ड ऑल द पॉजिटिव डायमेंशन इन माई होम। तो ये फिर मैं पूसी टाइप से, तो अभी मैं तो आपको इतना ही बोल सकता हूँ कि थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जो भी पॉइंट आपको अच्छे लगे हैं तो वो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, और मुझको कमेंट कर सकते हैं कि अगर किसी पॉइंट पे आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी है या अच्छी लगी है तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से लगी है और कहाँ आपको कन्फ्यूजन आया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यहाँ एक्चुअली अभी क्या है कि जैसे सब यूट्यूबर्स बोलते हैं तो मुझको भी बोलना पड़ेगा कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर ये जो वीडियोज़ हैं, राइट? और एक सब्सक्राइब करिए चैनल को, उससे क्या होगा कि मेरी जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं, लेकिन वो तभी देख सकते हैं, वहाँ पर एक बेल है एक्चुअली, वो जो घंटी है उसको आपको क्लिक करना होगा, ये ओनली देन इज पॉसिबल। आप उसको क्लिक कर दीजिए तो जो भी आप मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके अगर रिलेटेड हुई तो यू कैन वॉच दैट, और उसको अपने आप रिव्यू दे सकते हैं, जितने भी आपकी पॉइंट्स हैं प्रॉब्लम है उनको शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मैनेज दैट जितना भी हो सकता है। सो थैंक यू वन अगेन।